हेलो एवरीवन वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा दिस इज मंजूर आज के लास्ट हम लोग कर रहे हैं आईपीएस पीओ एस पी की पी क्यू सॉल्व यहाँ पर हम लोग आज करेंगे 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व इससे पहले भी हम लोगों ने फोर सेट्स सोल्व करें वहाँ पर हम लोगों ने 2021 के कुछ क्वेश्चंस किए थे दो हज़ार का भी हम लोग एक सेट में सॉल्व कर चुके हैं ठीक है तो आज हम स्टार्ट करते हैं दो के कुछ क्वेश्चन सब से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जो हमने लास्ट सेट में लास्ट में छोड़ा था असाइनमेंट क्वेश्चन वो हम डिस्कस करें सबसे पहले क्या दे रखा था यहाँ पर ये क्वेश्चन था डी एस का ठीक है डाटा सफिशंसी का बस हमें बताना था कि कौन से स्टेटमेंट से यहाँ पर आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन ये लिखा हुआ था एट बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू आर्ट बॉक्सेज है आर अरेंज वन अब अनदर एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं ज़रूरी नहीं सेम क्रम में रखे हुए हों विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो द बॉक्स यू बस बताना हमें ये था कि यू के जस्ट नीचे कौन से यहाँ पर बॉक्स आना है ठीक है तो हम चेक करेंगे यहाँ पर स्टेटमेंट वन से पहले स्टेटमेंट वन में क्या कह रहे हैं देखते हैं मोर देन थ्री बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एस एंड टी एस और टी के बीच में T से ज्यादा बॉक्स रखे गए हैं मतलब चार हो सकते हैं पाँच हो सकते हैं छ हो सकते हैं विच इज प्लेस मतलब विच यहाँ पर टी के लिए बोला गया है विच इज प्लेस बिलो द बॉक्स एस जो कि जो टी है वो एस के नीचे रखा गया है दैट मीन ये बोलना चाह रहे हैं कि एस के नीचे टी है और कम से कम चार बॉक्स होने चाहिए एक दो तो, तीन चार टी ती यहाँ हो सकता है जब इनके बीच में चार बॉक्स है मतलब यहाँ पर कितने हो गए छः बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं अब चार है तो पाँच भी हो सकते हैं तो एक एस यहाँ आ जाए और एक दो तीन चार पाँच टी यहाँ आ जाए ये भी हो सकता है जब बीच में पाँच है तो मतलब सात बॉक्स कम्प्लीट हो चुके हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इनके बीच में छ बॉक्स हो तो तीन चार पाँच और छ यहाँ पर टी आ जाए ठीक है, है। तो यहाँ पर एक लाइन से यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही हैं फिर आगे लिखा है बॉक्स क्यू एंड एस आर प्लेस्ड एडजस्टन टू विच अजर अब ये बोल रहे हैं कि क्यू और एस साथ में रखे गए हैं तो इन दोनों जो हमारे यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी बनी है इस लास्ट पॉसिबिलिटी में तो हम क्यू यहाँ रख सकते हैं बस इस पॉसिबिलिटी में नहीं क्योंकि यहाँ पर हो सकता है क्यों ऊपर हो क्यों नीचे हो तो लिख ले रहे हैं भाई क्यू और एस साथ में बैठे हुए हैं फिर लिखा है ओनली टू बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड यू क्यू और यू में दो बॉक्स हैं वही सेम केस हम यहीं रख पाएंगे क्योंकि हम क्यू को नहीं रख पाए हैं तो हम दो का गैप रखा और यू को यहाँ रख दिया ठीक है फिर लिखा है ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड टी केवल एक बॉक्स है पी और टी के बीच में तो यहाँ पर हो सकता है ऐसा बट यहाँ पर हम नहीं रख पाएंगे कि पी और टी की पता नहीं है मतलब यहाँ से हम कोई भी एक फाइनल आंसर ही निकाल सकते क्योंकि पॉसिबिलिटी कैंसिल ही नहीं हो पा रही है ठीक है अब सेकेंड स्टेटमेंट चेक करते हैं मतलब अकेले ओनली वन तो आंसर नहीं आ सकता ओनली वन स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आ सकता ठीक है फिर क्या लिखा है वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन क्यू एंड आर लिख लेते हैं इसको भाई क्यू और आर में एक बॉक्स है टू बॉक्सेस प्लेस बिटवीन क्यू एंड पी क्यू और पी में दो बॉक्सेस हैं वन बॉक्स इज बिटवीन टी एंड आर एक बॉक्स है टी और आर में पी बॉक्स पी डज नॉट एडजेसेंट टू टी मतलब पी और टी जो है वो साथ में नहीं है बॉक्स यू इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स पी एंड द बॉक्स जस्ट अबव द बॉक्स आर अब ये बोल रहे हैं यू जो है वो बिल्कुल बीच में है तो पहले इतना बनाते हैं हम ठीक है तो यहाँ पर क्या बोला गया क्यू और आर और टी और आर देखो जब क्यू के बाद आर है और इसमें आर के बाद यहाँ पे टी है और दोनों में एक का ही गैप है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि एक ऊपर होगा एक नीचे होगा ठीक है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है एक तो हमने आर माना है यहाँ पर आर और एक गैप के बाद यहाँ पर हमने माना ऊपर क्यू है और एक गैप के बाद नीचे टी है ऐसे इसमें ऊपर यहाँ पर टी है नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा ठीक है अब लिखा है पी और क्यू में दो का गैप है कितना गैप है दो का और पी और टी साथ में नहीं आने हैं ठीक है थीके? अब इसके हिसाब से मतलब हम नीचे नहीं लग पाएंगे पी को क्योंकि यहाँ पे ओ यह टी साथ में आ जाएंगे दैट मीन्स दो गैप पे पी पी ऊपर हो गया यहाँ पर भी सेम दो गैप जो क्यू होगा वो ऊपर यहाँ पे नहीं आ पाएगा दो गैप पर पी नीचे आएगा अब काउंट करो कितने होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ यहाँ पे आठ लोग कंप्लीट हो रहे हैं अब यहाँ पर क्या लिखा है लास्ट लाइन बॉक्स यू इस प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स पी बॉक्स पी के बीच में है और द बॉक्स विच इज इमीडिएटली अप द बॉक्स आर मतलब इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं और पी के इसके बिल्कुल बीच में है यू तो एक दो तीन बॉक्स है यू बिल्कुल बीच मतलब यू यहाँ पर है ठीक है ऐसे यहाँ पर यू ये लिखा हुआ है और पी ये लिखा हुआ है यू के जस्ट मतलब आर के ऊपर ये वाला आता है इसकी बात नहीं करेंगे और एक दो तीन चार पाँच बॉक्स हैं दैट मीन्स वन टू और वन टू यहाँ पर आना चाहिए यू बट यहाँ पर, पर, पर क्यू आ चुका है दैट मीन्स यहाँ पर यू पॉसिबल नहीं है मीन्स ये वाला केस हो गया इनवैलिड ठीक है मीन्स हमें यहाँ से कुछ बन रहा है अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि भाई यू के जस नीचे कौन सा है तो यू के जस नीचे कौन सा है वो हमें यहाँ से पता लग रहा है मतलब इस वाले आंसर इस वाले से स्टेटमेंट टू से हम जो है वो आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर आ सकता है ओनली टू इज सफिशेंट टू गिव द आंसर अब देखते हैं हमें क्या दे रखा है यहाँ पर देखो यहाँ पर फर्स्ट लिखा है ओनली वन अलोन तो अलोन से तो वन से तो नहीं निकल रहा था टू से निकल रहा था तो हम यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर करें क्योंकि हमारा आंसर जो है केवल और केवल टू से स्टेटमेंट टू से आंसर निकल रहा था जो उन्होंने हमसे पूछा था वो निकल के आ रहा था तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं पजल ले रखी है इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी में यहाँ पर लिखी हुई है अगर आप चाहते हैं तो एटलीस्ट रीड करके कंडीशन नोट डाउन कर सकते हैं अब हम लोग रीड करना स्टार्ट करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सेवन पर्सन ए बी सी डी एफ जी आर बोर्न ऑन सेवन डिफरेंट डेट्स अलग अलग सात दिनों में पैदा हुए हैं इन आ ईयर एक ही साल में बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर में नहीं है दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स हर किसी को अलग अलग फल पसंद है देर इज अ गैप ऑफ थ्री डेज बिटवीन द बर्थ डेज ऑफ एवरी पर्सन हर किसी पर्सन की बर्थ डेट में तीन दिन का गैप है जैसे आगे लिखा भी है फॉर एग्जाम्पल इफ आर वॉज बॉर्न ऑन ट्वेल्थ में अगर आर का जन्म बारह मे को होता है कब होता है बारह मे को होता है Then the person born immediately after art, जो इसकी तुरंत बाद लिखना है नहीं तीन का गैप है राइट तेरह चौदह पंद्रह यहाँ पे सोलह आएगा यहाँ पे कितना आएगा सोलह मे आएगा तीन का गैप बोला है उन्होंने तीन दिन मतलब तीन के बाद नहीं बोला है शुड बी द गैप ऑफ थ्री डेज राइट तो बारह के बाद थ्री एड करोगे तो कितना आएगा फिर फिफ्टीन बट का गैप चाहिए हमको तो बारह तेरह चौदह पंद्रह के बाद क्या आया सोलह तो गैप को काउंट करके हमें यहाँ पर काम करना है ध्यान रखना है गैप है केवल ये नहीं बोला गया कि अब दिन के बाद है गैप बोला गया है तो इसका ध्यान रखेंगे ठीक है तो यहाँ तो बेसिक बात थी अब यहाँ पर लिखा है एफ वॉज बॉर्न ऑन सिक्सटीन ऑफ जून ठीक है अब इसको बनाते हैं कि जो एफ़ है देखो अब यहाँ पे बता दिया कि जो एफ़ है वो हुआ है सिक्सटीन ऑफ जून को बॉर्न अब पता नहीं कि ये इससे पहले की भी हो सकता है हो सकता है लास्ट हो सकता है बीच में हो, कहीं भी हो सकता है आगे लिखा है ओनली टू परसेंस वर बॉर्न बिफोर एफ़ एफ के पहले केवल दो लोग बॉर्न होते हैं और हमको यहाँ स्टार्टिंग बोला था कि सेवन पर्सेंस है तो यहाँ से पता लग गया हमको बेसिक चीज़ क्या पता लग गई कि जो एफ है उसका बॉर्न तो सिक्सटीन ऑफ जून को होता है ठीक है और इससे पहले दो लोग हैं मतलब एक और दो तो दो लोग इससे पहले ओनली लिखा है ना केवल दो लोग हैं मतलब दो ये हो गए तीन एफ हो गया तीसरा एफ तीन लोग हो चुके हैं फोर फाइव सिक्स और सेवन सात लोग यहाँ पर इस तरह आ जाएंगे अब जब ये एफ सिक्स सोलह जून को मतलब सिक्सटीन ऑफ तो जून को है इससे पहले वाला जो तुरंत पहले है वो कब होगा बारह जून को होगा तीन के गैप के इससे पहले वाला कब होगा आठ जून को होगा तीन गैप से पहले सोलह के बाद कब होगा सोलह के बाद आ जाएगा तीन गैप के बाद बीस तारीख आ जाएगी बीस के बाद कब होगा चौबीस को हो जाएगा चौबीस जून उसके बाद कब होगा पच्चीस से पचताईस अट्ठाईस जून को हो जाएगा उसके बाद जून में थर्टी डेज होते हैं उनतीस तीस इकतीस उनतीस तीस और फिर एक इकतीस से काउंट करना है कि जून में थर्टी डेज होते हैं थर्टी तो यहाँ पर आ जाएगा टू ऑफ जुलाई तो इस तरह से यहाँ पर अपने डेट्स फाइंड आउट कर लें कि कौन सा पर्सन कब किस किस डेट पर बॉर्न हुआ होगा ठीक है अब आगे पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर डी हु लाइक्स एप्पल इज देखो यहाँ बोल रहे हैं डी से पहले जितने भी लोग हैं और डी को क्या पसंद है एप्पल पसंद है यहाँ पर डायरेक्टली बोला गया एप्पल इज इक्वल द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर जी हु लाइक्स गोवा वो इक्वल है जो जी के बाद बॉर्न हुए और जी लाइक्स गोआवा तो हमने इसको यहाँ पर यह लिख लिया ठीक है फिर ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन जी एंड ए बोल रहे हैं जी और ए में एक पर्सन बॉर्न होता है हु लाइक्स औरजेस हु मतलब यहाँ पर ए की बात कर रहे हैं हु ए लाइक्स औरेंजेस तो हमने लिख लिया ए को पसंद है औरेंजेस ठीक है फिर लिखा है बी डज नॉट लाइक की वी वॉज बॉर्न वन ऑफ द डेट बिफोर ई एंड बट आफ्टर सी जो बी है वो किसी न किसी तारीख को ई e से पहले बॉर्न हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं सी के बाद बॉर्न हुआ है और बी को की वी पसंद नहीं है बी को क्या पसंद नहीं है की वी पसंद नहीं है ठीक है फिर बी वॉज नॉट बॉर्न आफ्टर ए लेकिन बी जो है वो ए के बाद बॉर्न नहीं हुआ है इसका मतलब जो बी है वो ए से पहले बॉर्न हुआ होगा कहीं पर ठीक है फिर ई डज नॉट लाइक ग्रैप्स पीच और कीवी अब जो यहाँ पर ई e लिखा था उसको कीवी पसंद नहीं है और क्या पसंद नहीं है ग्रैप्स पसंद नहीं है और क्या पसंद नहीं है पीच पसंद नहीं है मतलब ये तीन चीज़ें इसको पसंद नहीं है फिर लिखा है एफ़ डज नॉट लाइक पीच कीवी एंड पियर अब जो एफ़ है उसको ना तो पीच पसंद है ही की वी और ना ही, ही, ही पियर राइट तो एफ को क्या पसंद नहीं है वो यहाँ लिख लेते हैं एफ को पीच पसंद नहीं है और कीवी और पियर राइट तो यहाँ पर ये यह तीन चीजें नहीं आ सकती तो कंडीशन नोट डाउन हो गई अब बस हमें क्या करना है इनको सेट करना है तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं डी और जी वाली बात अब डी के जितने ऊपर है जी के उतने नीचे हैं ठीक है तो हो सकता है डी यहाँ फर्स्ट पे हो और जी यहाँ हो लास्ट में हो सकता है अच्छा जी भी हो सकता है पहले नहीं क्योंकि जी के बाद मुझे एक गैप पर ए रखना है जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा जी अगर मैं यहाँ रखूंगी तो एक गैप पर यहाँ पर ए नहीं आ हाँ पाएगा राइट तो फर्स्ट पॉसिबल केस हमारा क्या बन रहा है कि डी यहाँ पर हो जाए और डी को, को पसंद है एप्पल एप्पल ये हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर जी जी को पसंद है क्या गुआवा और गुआवा के एक गैप पर यहाँ पर, यहाँ पर क्या है ए एन ए लाइक्स ऑरेंजेस ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑरेंजेस अच्छा आगे देखते हैं आगे मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है सी बी ई और ए के ऊपर मुझे मतलब ए बी बी रखना है राइट तो सी बी ई इसकी जगह भी पर हमें दिख रही है बट यहाँ पर और भी केस हो सकते हैं डी और जी रखने के क्या क्या हो सकते हैं अब हो सकता है डी यहाँ पर हो सेकेंड नंबर पर डी हो हो सकता है यहाँ पर हो डी ठीक है अगर डी यहाँ पर होता है सपोज यहाँ पर हम रख के देखते हैं डी यहाँ पर है अगर एफ तो हमारे यहीं पर रहेगा अगर डी यहाँ पर है तो एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है तो कहां पर होगा जी यहां पर हो जाएगा और जी जी यहाँ पर होगा तो ए गैप पर ए हो गया ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो ए के ऊपर मुझे बी रखना है बी के ऊपर सी मतलब मुझे ए के ऊपर कम से कम दो स्पेस चाहिए बट यहाँ पर ए के ऊपर दो स्पेस नहीं हो पा रही है डेट मीन डी तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा रखना आगे चेक करेंगे फिर हम इस तरह से आगे देखते तो डी क्या यहाँ सकता है यहाँ पर तो एफ आ चुका है यहाँ पर नहीं आएगा डी डी यहाँ आ सकता है देखो डी के ऊपर एक दो तीन लोग हैं तो जी के नीचे स्पेस ही नहीं है डी जी को मैं नीचे रख पाऊँ इसका मतलब डी यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है रख पाना ठीक है उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर डी आ सकता है बिल्कुल आ सकता है डी अगर यहाँ पर आएगा दो गैप पर ऊपर तो जी यहाँ आ जाएगा ठीक है और फिर जी के बाद ए गैप पर मुझे ए यहाँ मिल गया बट ए के ऊपर मुझे वैसे मैंने बताया आपको कि दो तो रखना ही है बी भी रखना है और बी के बाद मुझे सी भी रखना है तो यहाँ पर ए के ऊपर स्पेस ही नहीं है तो हम इसको भी नहीं रख सकते ठीक और दूसरी बात यहाँ पर एफ आ चुका है तो यहाँ पर जी भी वैसे भी नहीं आएगा तो ये चीज़ भी यहाँ पर नहीं आ सकती अच्छा क्या यहाँ पर डी आ सकता है डी यहाँ रखें तो जी यहाँ रख सकते हैं और ए हाँ बट इसमें भी देखो ए के ऊपर केवल एक ही स्पेस है वही बात मुझे ए के ऊपर कम से कम दो स्पेस रखना है जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा मीन्स ये केस भी यहाँ पर नहीं है अच्छा और चेक करते हैं क्या हम हाँ मैं यहाँ रखूँ डी को डी को मैंने यहाँ रखा जी को यहाँ रखा तो जी के बाद मैंने आपको बताया कि ए यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इसका मतलब मैंने सारी कंडीशन चेक करके बताया आपको कि डी और जी क्या हो सकती है और यहाँ पर कहीं पर भी डी और जी नहीं आ पा रहा है केवल इस कंडीशन के अलावा जहाँ मैंने इसको रखा अभी इसका मतलब यह है कि डी और जी इसमें यहाँ पर ही सेट होगा अच्छा अब क्या रखना है ए के ऊपर बी और बी के ऊपर ई राइट ए के ऊपर बी यहाँ आ गया और बी के ऊपर सी यहाँ आ गया अब क्या बचा ई e, ई e यहाँ पर आ गया ठीक है अच्छा अब यहाँ पर और क्या बस बचा हुआ है देखो कीवी के लिए बोल रहे हैं कीवी ना बी को पसंद है कीवी ना ई e को पसंद है और ना ही कीवी एफ को पसंद है मीन कीवी यहाँ नहीं आ सकता यहाँ नहीं, नहीं आ सकता यहाँ नहीं आ सकता क्या बचा कीवी आने की जगह केवल और केवल सी पर बचे तो कीवी यहाँ आ गया ठीक कीवी सेट हो गया हमारा अच्छा अब क्या देख सकते हैं पीच पीच ना एफ को पसंद है और ना ही ई e को एफ और ई e पर पीच नहीं आएगा देट मीन्स पीच कहाँ पर आ जाएगा पीच आ जाएगा बी पर राइट तो पीच यहाँ आ गया अब क्या बचा है देखो तो पियर पियर एफ पे नहीं आ सकता मीन्स पियर कहाँ आ जाएगा फिर ई पर आ जाएगा पियर और ग्रेप्स बचे हैं ग्रेप्स कहाँ पर आ गए एफ पर आ गए तो इस तरह से ये पजल यहाँ पर सॉल्व हो जाती है विद ऑल द वेरिएबल्स और यहाँ पर मजे की बात ये है कि पॉसिबिलिटीज बन रही थी बट बहुत ईजिली हमने उसको कैंसिल आउट कर दिया किस तरह से हमने ए वाले कंडीशन को चेक करके इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया ठीक है तो यहाँ पर ये बन गया हमारा राइट सोलूशन ऑफ दिस पजल देखते क्या कहता है क्वेश्चन में जून को कौन बॉर्न हुआ है तो जून को हुआ है ई दैट इज पियर तो यहाँ पर पियर भी दे रखा है और ई e भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम ऑप्शन ई e टिक करेंगे बोथ ए एंड डी राइट फिर क्या दे रखा है हु अमंग द फॉलोइंग जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक्स ग्रेप्स ग्रेप्स के जस्ट बाद में कौन बॉर्न हुआ है इसके बाद हुआ है कौन पीच या फिर बी अब बी तो लिखा नहीं है बस पीच लिखा है तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक कर देंगे फाइन नेक्स्ट देखो हाउ मेनी पर्सन बॉर्न बिटवीन द ग्वावा एंड द ग्रेप्स गुआवा ये लिखा है ग्रैप्स ये लिखा है तो एक दो तीन लोग बॉर्न हुए हैं मीस यहाँ पर थ्री के लिए ऑप्शन सी टिक कर देंगे नेक्स्ट पूछ रहे हैं सेकंड जुलाई को कौन बॉर्न हुआ है कौन हुआ है जी हुआ है तो जी के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे ऑप्शन ए इज राइट हेयर नेक्स्ट नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ बी आर ठीक है यहाँ पर हमको कोड में दे रखा है कोड्स लिखे हुए हैं तो कोड के अकॉर्डिंगली आपको सॉल्व करना है आपको ये बताना है कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसके अकॉर्डिंगली एफ रिलेट कर रहा है ए से किस तरह से ठीक है तो हम कोड को देखते हैं कोड में इजी कोड है यहाँ पर हमें पी के बारे में दे रखा है पी टू क्यू सब में पी टू क्यू ही लिखा हुआ है तो हम ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं देखो हमें यहाँ पर केवल एफ़ और ए चेक करना है तो ए ये लिखा हुआ है और एफ ये लिखा हुआ है ठीक है अगर हम इसको शॉर्टकट वाले तरीके से चेक करें जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस करा है ये डिस्कस किया था हमने कोर्स वाले जो ऐप पर कोर्स है वहाँ पर इसको डिस्कस किया गया किस तरह से सॉल्व करते हैं देखो यहाँ पर क्या होता है जो अपने साथ वाले रिलेशन है उसमें हम देते हैं कोड जीरो और जो अपनी जनरेशन ऊपर है उसको देते हैं वन प्लस वन और जो नीचे है उसको देते हैं माइनस वन अब यहाँ लिखा है परसेंटेज ए ये लिखा हुआ है और एफ ये लिखा हुआ है अगर हम यहाँ से जहाँ तक जाते हैं तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ए परसेंटेज मीन्स फादर यहाँ पे क्या हो गया प्लस वन हो गया फिर एंड एंड में क्या है ब्रदर मतलब जीरो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या मदर एट इज़ प्लस वन और एस्ट का मतलब सिस्टर इज जीरो तो मतलब प्लस वन प्लस वन का यहाँ पर क्या गया प्लस टू आ गया मीन्स यहाँ पर रिलेशन क्या होगा दो जन दो जनरेशन वाला ऊपर ऊपर वाला होगा अब यहाँ पूछ रहे हैं ए कौन है एफ का तो मतलब ए क्या हो सकता है ग्रांड सन या फिर ग्रांड डॉटर अब वो डिपेंड सॉरी एफ पूछ रहे हैं एफ कौन है तो एफ डिपेंड करता है कि एफ का जेंडर यहाँ पर क्या है ठीक है अब पूछ रहे हैं एफ एंड एच डेट इज यहाँ पर क्या गया एफ इज द सन ऑफ मतलब एफ क्या है यहाँ पर मेल है राइट right, यहाँ पर क्या होगा आंसर ग्रांड सन होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बट यहाँ पर हम नॉर्मल भी चेक करते हैं यहाँ पर ये यह शॉर्टकट तरीका है जिस तरह से हम निकाल लेते हैं कि जनरेशन की गैप से कि कितना यहाँ पर तो मतलब वो होगा मतलब कौन सा यहाँ पर रिश्ता फॉलो कर रहा है ठीक है तो ये तो हमारा ग्रांड सन आंसर है बट हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये यह सॉल्व हुआ नॉर्मल तरीके से देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे देखो जनरली सॉल्व करेंगे तो जी जी स्टार्ट करते हैं जी एंड ए मतलब जी क्या है जी इज द ब्रदर ऑफ ए जी इज द ब्रदर ऑफ ए राइट उसके बाद बोल रहे हैं ए परसेंटेज सी दैट इज ए इज द फादर ऑफ सी ठीक है C, is is C, फिर सी एंड डी सी इज द सी इज द ब्रदर ऑफ डी राइट सी इज द ब्रदर ऑफ डी तो डी इज द बेटा मतलब डी तो भी पता नहीं क्या है आगे देखते हैं डी क्वेश्चन मार्क ई दैट इज डी इज अ मदर ऑफ ई दैट इज डी इज अ मदर ऑफ ई राइट right? फिर ई एस टिक एफ इज ई इज सिस्टर ऑफ एफ दैट इज इसका मतलब ये हो गया एंड एफ इज एफ इज सन ऑफ एच एफ क्या है सन है किसका एच का राइट right? तो यहाँ पूछ रहे हैं हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए ए का कौन है भाई एफ एफ कौन हो गया ग्रांड सन तो यहाँ पर हमने यही आंसर निकाला था ग्रांड सन राइट तो ऑप्शन बी यहाँ पर, तो हाँ पर करेक्ट हो जाएगा तो इसको आप चाहे तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं उसको हमें डिटेल में पढ़ा है काफ़ी ज़्यादा ऐप पर ठीक है ऐप के कोर्स पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में पूछा जा रहा है इस एक्सप्रेशन में हाउ इज क्यू रिलेटेड टू ईज मदर ई की मदर से किस प्रकार संबंध है बट यहाँ पर हमें ई e की मदर के बारे में नहीं पता है बट हम देख सकते हैं किस तरह से हम निकालेंगे देखो तो को क्यू यहाँ कहाँ पर लिखा है क्यू ये लिखा हुआ है और उसके बाद ई ये लिखा हुआ है तो पहले देखते हैं ई e का रिश्ता क्या है फिर ई e की मदर का निकाल लेंगे राइट अच्छा चलो देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है बट अगर हम ऑप्शन को देखें यहाँ पर तो ऑप्शन में ग्रांड फादर ग्रांड फादर ग्रांड मदर ग्रांड मदर ही दे रखा है मतलब यहाँ पर हमें ऑप्शन से नहीं पता लगता है कि ग्रांड फादर ग्रांड मदर दोनों ही टू जनरेशन वाले हमारे रिलेशन है तो इसको हमने यहाँ पर सॉल्व ही करना पड़ेगा नॉर्मल मतलब तरीके से अब जैसे ये वाला मैथड मैंने आपको बताया यहाँ पर शॉर्टकट वाला जनरेशन वाला मैथड तो वो आप ऑप्शन को देख कर ही अप्लाई करो ऐसा ना हो कि सारे ऑप्शन आपको ग्रांड मदर ग्रांड फादर ही दे रखे हो तो आप निकाल नहीं पाओगे फिर वहाँ पर तो इसको हम सॉल्व करेंगे जनरल मैथड से Q एंड P मतलब सॉरी Q क्वेश्चन मार्क P तो so, क्या हो गया Q इज द मदर ऑफ P राइट right? फिर P एंड A P एंड A मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ A राइट right? फिर A परसेंटेज W दैट इज A इज द फादर ऑफ W राइट right? फिर W एंड D W इज द ब्रदर ऑफ W इज द ब्रदर ऑफ D राइट right? फिर D क्वेश्चन मार्क E D इज द मदर ऑफ E राइट right? D इज द मदर ऑफ E और हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहे थे हमसे पूछ रहे थे यहाँ पर कि ई की मदर जो कि डी है ई की मदर जो कि क्या है डी है उनका रिश्ता क्या है विद क्यू अब जो डी है और जो क्यू है वो क्या है देखो वो क्या है वैसे तो ग्रांड मदर है राइट ग्रांड मदर है मतलब फादर तो वो नहीं है तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए अब बात आती है पैटर्नल है या मैटरनल है राइट अब देखो ये क्या है डी डी की यहाँ पर ये फादर है फादर के भाई मतलब वही सेम ही होगा फादर की मदर है डेट इज़ क्या हो गई पैटर्नल हो गई मदर की मदर होती तो वो होती है मैटरनल राइट तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है पैटर्नल तो अगर हम वाला मेथड लगाते हैं जनरेशन वाला तो यहाँ से हम पैटर्नल और मेटरनल नहीं निकाल पाते तो इसलिए हमने वो नहीं लगाया तो हम वो देख कर लगाते कि हम वो कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ठीक है काफ़ी जगह पर आप कर सकते हो बट काफ़ी जगह पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो आप इजिली नॉर्मल मेथड यूज़ करके से आंसर को फाइंड आउट करो ठीक है अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना रीजनिंग का कंप्यूटर रीजनिंग कोर्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फ्राम द तो प्ले स्टोर यहाँ पर आपको कंप्यूटर रीजनिंग कोर्स मिल जाएगा जो कि यहाँ पर प्री प्लस मेन्स की यहाँ पर डिस्कस किया गया है मेन्स की यहाँ पर आपको मिलेंगी फोर्टी क्लासेस फोर्टी पजल्स जिसे हम बोल सकते हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल की पजल्स हैं और प्री की यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही बेसिक से और हाई लेवल तक डिस्कस किए गए हैं तो इसको आप ऐप पर जाकर अवेल कर सकते हैं उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ठीक है यहाँ पर आपको वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी एंड इन द लास्ट यू हैव टू सॉल्व दिस असाइनमेंट क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में और हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसका आंसर क्या हो सकता है तो इसको पढ़िए इसको सॉल्व करिए और ये भी मेन्स में आया हुआ ही क्वेश्चन है और ये है एक कोडिट डायरेक्शन का क्वेश्चन ठीक है तो सॉल्व और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है ठीक है तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे